चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के नाच ले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। आजकल ये जॉन को हुआ क्या रे, जिधर देखो उधर साला पैरा पैरा, दो चार चुने की बुरियों के लिए इतना पैरा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। अबे अरे तुझे पता है आजकल पुलिस जान के पीछे हाथ पैर धो के पड़ी है, डरा हुआ है बेचारा। अरे सही कह रहा है, साला पूरा धंधा चौपट चल रहा है, आखिर हम थोड़ा सा दो चार कत्ल कर लेते हैं और कुछ चुने की बुरियों में ड्रग्स मिला के बेच देते हैं तो इससे पुलिस वालों का क्या बिगड़ता है रे। अबे अरे ये चूने की बोरियां नहीं है, इसमें करोड़ों का माल छुपा हुआ है। सही कह रहे है तुम, करोड़ों के माल के लिए तो कोई भी पैरा लगा देगा, तो जान भाई की बात क्या अलग है। कौन है?
तू जानता है तू किसे गोली मार रहा है? मैं तो तुम्हारी टांगों को गोली मार रहा हूँ। पुलिस वाले के मारने का अंजाम जानता है क्या है? अगर मुझे मारा तो तुम सब मरोगे। इससे पहले भी मैंने बहुत पुलिस वालों को मारा, पर अब तक जिंदा हूँ। तुम ये जान लो, जैसे ही तुमने मुझे मारा, मेरे साथी तुम सबको एक एक करके खाक में मिला देंगे। मेरी मौत तुम सबके मौत का वारंट होगी। जैसे ही मैं मरा, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। तुम्हारा बचाव करने वाले तुम्हारा बचाव नहीं कर पाएंगे और मेरे साथी तुम सबको एक एक करके मिटा देंगे। सब मारे जाओगे। पुलिस वाले अमर रहे। बैठो। तुम तो जानते ही हो तुम कहां जा रहे हो। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। जॉन द क्रैब अपने दुश्मनों को बहुत बेदर्दी से मारता है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं। माल कहाँ है? और हाँ, एक आखिरी बात, तुम इस समय एक पुलिस वाले नहीं बल्कि एक स्मगलर हो।
तुम साले नीच कमीने आदमी, 1958 में बिक गए। मैंने तुझे क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया हाँ, और बदले में तूने मुझे क्या दिया, क्या दिया तुमने? धोखा? क्या जान इसी का हकदार है? एक पुरानी कहावत है, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद। आज ये कहावत तुमने सच साबित कर दी। चल बता, क्या बताया तूने? हाँ, क्या बताया तूने पुलिस को? तुम साले ऐसे मुंह नहीं खोलोगे, तुम्हारा जबड़ा मार मार कर खोलना पड़ेगा। बॉस, बॉस, हाँ, बॉस वो बेहोश हो गया। दिलावर का आदमी डिलीवरी लेकर आया है। कौन है? कोई नया आदमी है। नया आदमी वो नहीं भी हो सकता है। नया हो भी सकता है। तो दिलावर की इस नए मुर्गी के बारे में पता करो, कौन है ये, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे आजकल हाथ पैर धोकर पड़ी हुई है। हमें बहुत सोच समझ कर चलना होगा। हमारा एक गलत कदम हम सबको ले लीजिएगा। समझिए सर। दिलावर, जरार, तुम सब के सब मारे जाओगे। बैठो, ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। काम के बाद बोल। जान एक शैतान है,
तुम लोगों ने अपने साथी को जहन्नम की भट्टी में झोंक दिया। तुम लोगों को अपने साथी का एक बाल भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों को भी अपना एक बाल नसीब नहीं हुआ। हमारे खिलाफ कोर्ट में सबूत क्या पेश करोगे? कोर्ट तुम्हारी जगह नहीं है। क्या तुमने हमें इतना ईमानदार पुलिस वाला समझा है? माल तो कड़क है। क्या माल कड़क है तो रेट भी कड़क रहेगा सर, पिछली बार से 20% ज्यादा। ऐसा क्या? दिलावर नहीं आया, अपने एक सूखे से चमचे को भेज दिया जिसका मैं नाम तक नहीं जानता, और वो मुझसे रेट बढ़ा के बात कर रहा है। क्या बात है, वो किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। क्या जरूरी काम? अपनी लुगाई की मैयत में गया है क्या? उसे पता होना चाहिए धंधे से बढ़कर कुछ नहीं। तुम दोनों क्या जानकारी दोगे जान के बारे में? हमने अगर अपना मुंह खोला तो जान हमें मार डालेगा, और अगर नहीं खोला तो हम मार डालेंगे। इसलिए अभी मरने से बेहतर है थोड़ी देर बाद मरो। जान अगर मर जाए तो तुम दोनों बच सकते हो। तुम्हें पता है इस जहरीले धंधे में दुश्मन इतने ज्यादा हो गए हैं कि अगर हम ईमानदारी से काम न करें तो हमें अपने कफन के लिए कपड़े भी नसीब नहीं होंगे। हमें सजग रहना होगा, नशा से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हम पुलिस की नजर में आ रहे हैं। अगर तुम्हें लोगों के मरने की इतनी ही चिंता थी, क्या जरूरत थी इस धंधे में आने की? जाकर किसी मंदिर का घंटा बजाते, हलवाई अपनी खत्म होती हुई मिठाइयों से अपने मुनाफे का अंदाजा लगाते, और हम लोगों के मरे हुई लाशों से। अब मैं काम की बात करूं, इसकी कीमत क्या देंगे? यहां कीमत हम ही तय करते हैं शर्मिली हसीना। जर्रार ने तो खुद कीमत तय की थी। अच्छा, तो तुम जर्रार को भी जानते हो? हाँ, तुम्हारी जानकारी तो वाकई में बहुत ज्यादा है। अब तो तुम्हारे बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो गया है दोस्त। चल, दिलावर को फोन लगा। फोन बंद है उसका।
तुम हमारे मेहमान हो, तो जब तक दिलावर से बात नहीं हो जाती तब तक। मेहमान या कैदी, इस धंधे की भी कुछ कानून है। यहाँ कानून मैं हूँ। ये आपके लिए फोन। लाश को ठिकाने लगाओ, एक जरूरी मीटिंग है। जब तक कि दिलावर से बात नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगे। एक परेशानी आ गई है, दिलावर और जर्रार ने हमें धोखा दिया है। हमारा साथी उनके कब्जे में है। उन दोनों का क्या किया? उन दोनों को उनके ठिकाने लगा दिया। वैसे भी हमारे वो किसी काम के नहीं थे। ये एक बड़ी परेशानी है। इस समय हमें शांत रहना चाहिए। मुझे इसके लिए ऊपर बात करनी पड़ेगी। मतलब तब तक हम शांत रहें और हमारे साथी का क्या? तब तक उसको उसके हाल पे छोड़ दो। क्या? तब तक तो उसे मार डालेंगे। अब ये क्या करें सर? सर, कुछ अपना मूवी खोलेंगे क्या? हमें कुछ बताएंगे? आखिर क्या गुल खिलाने वाले हैं आप और आपके साथी? अगर इसके साथी होते तो अकेला क्यों आता? अबे वो मेढक, अब थोड़ा सा टटरा ले। कानून के दायरे में रहकर काम करने की यही मजबूरियां होती हैं। मजबूरियां मतलब कानून के दायरे के खातिर हम अपने एक साथी को मरवा दें, यही कहना चाहते हैं आप? अगर ऐसा है तो आज से कोई कानून नहीं। ऐसे कानून का क्या फायदा जिससे जान जाती हो? हमारा काम अपने साथी की जान बचाना है, उसे मरने के लिए छोड़ना नहीं है। देखो, तुम भावनाओं में मत भो। इस समय हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। सर, हमें सिर्फ एक कदम उठाना है और वो है जान की मौत। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम जान के सारे ठिकानों पर पूरी ताकत से एक साथ हमला करेंगे। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई वार्निंग नहीं और ना ही कोई वारंट। यह होगी एक रेड और कल का सूरज निकलने से पहले पहले जान और उसकी काली दुनिया इतिहास बनकर रह जाएगी। क्या हम इसे मार डालेंगे? क्या हम कातिल लगते हैं? तुम पागल हो गए हो? जॉन के सारे अड्डों पर रेड डालोगे, वो भी एक साथ? तुम्हें पता है क्या होगा? हमें ना तो इसकी परमिशन मिलेगी और ना ही कोई बैकअप है हमारे पास। हमारे पास गिनती के चंद ऑफिसर हैं, उनसे हम क्या कर लेंगे? हमारे पास 10 ऑफिसर हैं और वो 100 के बराबर हैं। जोश में आकर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर मत पेश किया करो। 10 ऑफिसर 10 ऑफिसर ही होते हैं, 100 के बराबर नहीं होते। 10 ऑफिसर जॉन के सामने कुछ भी नहीं है। तुम रेट की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है अगर ये बात ऊपर गई तो समझो मैं तो गया। आपको अपनी पड़ी है, हमारे उस साथी का क्या जो मौत के मुंह में पड़ा है? उसको छोड़ दें मरने के लिए अपनी नौकरी और अपनी पोस्ट की खातिर? आखिर कब तक हम अपने साथियों की मौत का मातम करेंगे? अब वक्त आ गया दुश्मनों की कब्र खोदने का। जब जब हमारे साथी मारे गए हम चुप रहे और कानून के दायरे में बैठे रहे।
अगर हमें खुद को बचाना है तो जान को मारना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, मैं रेड की परमिशन नहीं दे सकता। देखो सर, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, आपसे ना तो कोई कानून और ना ही कोई दायरे। रेड तो हम करेंगे, चाहे आप परमिशन दें या ना दें, लेकिन आपसे सिर्फ एक मदद चाहिए। और वो क्या? अपना मोबाइल फोन अगले 10 घंटे तक बंद रखिए। सिगरेट पियेंगे सर? अरे सर, सिगरेट कहाँ पिला रहे, कान में? अरे वो एड़े, ये कानून वाले हैं, सारे काम कान से करते हैं। तुझे पता है क्यों? कानून के कान बहुत लंबे होते हैं। हमारे जाकिर दादा कहते थे भैंस के कान बहुत लंबे होते हैं। अबे भैंस के कान नहीं, हाथी के कान लंबे होते हैं। तू साले हरदम मेरे जाकिर दादा की बात करता है, क्या मेरे जाकिर दादा झूठे हैं? अबे कानून के कान नहीं, हाथ बहुत लंबे होते हैं। क्या बात कर रहा, जरा देखूं तो। मेरे ही जितना तो है। अबे एड़े, ये एक मुहावरा है। अबे वो पान पराग, हमें मुहावरे से क्या करना है। अच्छा चल, इन्हीं से पूछ लेते हैं, बता रहे भाई किसके हाथ लंबे होते हैं। अबे चनपाती, क्या हम मालिक कर रहा है, थोड़ा इज्जत से सवाल पूछ, तब न जवाब देंगे। हाँ क्या समझा? हाँ 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 हाँ, जनाब चुलबुल पांडे जी, तो आप ही बताओ कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं? एक बार रस्सी खोल कर तो देख, फिर बताता हूँ कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। कानून के हाथ कितने भी लंबे हैं, उससे कहीं ज्यादा लंबी हमारी रस्सियाँ हैं। देखो कानून के हाथ कैसे बधे हुए बिलबिला रहे हैं। जब एक मुजरिम किसी मासूम पर अपनी बंदूक से गोली चलाता है, तो एक दिन वही गोली पलट कर उसको अपना शिकार बना लेती है। तो तुम लोगों ने मुझे मारने का प्लान बनाया है? अरे हम वो जाले हैं जो मगरमच्छ को टूथ ब्रश करते हैं और शेर के पंजों के नाखून को तराशते हैं, और तुम अपने अंडों के छिलकों की फौज लाओगे मुझे मारने के लिए? क्या बात है, मेरा तो जी चाहता है तुझे काट के अपने कुत्तों के सामने डालूं ताकि वो अपना नाश्ता कर सके। मैं चाहता तो नहीं, पर अब देख तेरे एक एक साथी कैसे मरते हैं। क्या लगता है, हम जॉन को पकड़ पाएंगे? अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से रहा तो जॉन एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। सही कहा, पर तुम्हें तो पता होना चाहिए प्लान सिर्फ हम बनाते हैं। जॉन कभी कोई प्लान नहीं बनाता। हेलो, चलो हमें चलना होगा। मगर कहाँ? बस मेरे पीछे आओ। जान ने हमारे कई साथियों को बड़ी बेदर्दी से मारा है, अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का। आखिरकार जंग आ ही गई। तैयारी शुरू करो। क्या हो, कुछ मिला? साले मुखबिर ने साला गलत खबर दिया। मैं समझ में नहीं आता यार, ये कौन किसके तरफ है, पुलिस वाले मुजरिम की तरफ है या मुजरिम पुलिस की तरफ, और ये मुखबिर साले किसकी तरफ है?
रखा। सर क्या खबर ला रहे? रामू बोल तो बोल मु समाज जब एक मुजरिम की इज्जत करना शुरू कर देता है तो खुद ही बेइज्जत हो जाता है। अब लोग हमसे सीखेंगे कि एक मुजरिम की इज्जत कैसे करते हैं। रमजान के अड्डे पर हथियारों से लैस होकर जाएंगे, लेकिन हम सबको यह पता होना चाहिए कि हमारे दुश्मन नियत्ते नहीं होंगे। बिना हिचक और बिना झिझक के होगा। इस बार दुश्मनों पर ना तो कोई दया और ना ही कोई रहम होगा। जान के बहादुर साथी खून में नहाएंगे और जान के बुजदिल साथी भाग जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ मुजरिम रहम की भीख मांगने के लिए तुम्हारे पैर पकड़े, मगर पैर पकड़ने से पहले उनके हाथ काट देंगे। इसका मतलब तुम लोग रेड के लिए तैयार हो। किसी का कोई सवाल? हमारे पाकिस्तानी कहाँ है? वो सब काम पे लग चुके हैं। हम इसके लिए तैयार हैं। चलो साथियों, एक मुजरिम को ऐसी मौत मारे कि उसकी मौत देखकर लोग मुजरिम बनना ही छोड़ दें। एक चूहा बिल से निकला है।
छक्के। मुजरा करने। कौन है बेटू? ऐ साले, मैं गांजा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं हमाली नहीं कर रहा। छोड़, तू अपने इलाके पे नजर रख। मेरी नजर तो इतनी तेज है कि उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेता हूं। बेओ कुबड़े, यहां कहां आ रहे? मुझे जॉन से मिलना है। जॉन तुम जैसे कुबड़ों से नहीं मिलता। तुम्हें पता है मैं कुबड़ा क्यों हुआ? मुझे नहीं पता तू कुबड़ा क्यों हुआ। जॉन के लिए गोली खाई और मैं अपाहिज हो गया। तुम जानते हो मुझे कमर पे गोली किसने मारी? एक कुबड़े के बारे में भला मैं सब कुछ कैसे जान सकता हूँ? क्या तुम जानना चाहोगे पुलिस ने मुझे कैसे गोली मारी? हाँ, मैं जानना चाहूंगा तुम्हें पुलिस ने कैसे गोली मारी। पुलिस ने ऐसे गोली मारी। अपने पास तो साला एक भी पत्ता नहीं आया। ये ले हुकम का इक्का। अरे का ससुरा, दिन भर जान की पहरेदारी पहरेदारी। ले सिगरेट पी। अरे बोर नहीं होता का रे तू? तू साला का बोर हो गया? कान में तो ईयरफोन घुसेड़ा है। अरे ला रे, काज काज हमें भी दे रे। एक तो साला सिगरेट में चरस मिला के पियत है, हैं? और ऊपर से चरसीला गाना सुने थे। तू तो ऊपर से नीचे अंदर से बाहर पूरा का पूरा गर्दुल्ला है रे। ले ले एकाद का चोर मार। आखिर तुम लोग आ ही गए। तुम्हें जो बचाना था। बहुत कमीने पुलिस वाले हो साले तुम लोग। अरे आग लगल है बस्ती में, तू है अपन मस्ती में। ला दे कर दे। है ले ले। अबे अराकोंडा, हम माली मत कर।
ऑफिसर आखिर ये सब चल कह रहा है? सर एक जबरदस्त मुसीबत आ पड़ी थी। और वो जबरदस्त मुसीबत क्या है? हमारा एक ऑफिसर उसके कब्जे में था, उसकी जान कभी भी जा सकती थी। तो तुमने एक ऑफिसर की जान बचाने के लिए रेड डाल दी? बैठो। ऑफिसर, तुमको जॉन के इलाके के बारे में क्या पता है? सर, मुझे ज्यादा कुछ पता लगाने का वक्त ही नहीं मिला। ऑफिसर, क्या तुम्हें पता है जॉन के इलाके में आज तक रेड क्यों नहीं डाली गई? मैंने भी कई बार कोशिश की जॉन के इलाके में रेड डालूं और जॉन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, मगर उसने सुरक्षा के बहुत कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। सर, उस ऑफिसर की जान बचाने की खातिर मैं मजबूर हुआ ये करने के लिए। ऑफिसर हलीम सेठली, एक ऑफिसर की जान बचाने के लिए 10 ऑफिसरों को मौत के मुंह में झोंकना कौन सी अकलमंदी है? मैंने हमेशा अपने ऑफिसरों की जान बचाने के लिए काम किया। कहीं तुम्हारी जान से कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है? जान के जुर्म के कारनामे अब हद से आगे निकल चुके हैं। इस बात को तो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो पुलिस वालों को मारे, मगर वो मारने लगा है तो क्या हम यूं ही मरते रहें? जान हमारे लिए तब तक खतरा है जब तक कि वो जिंदा है। अगर वो मर जाए तो हमारे लिए वो कोई खतरा नहीं है। आखिर एक न एक दिन तो हमें इस किस्से को खत्म करना ही था, तो आज ही क्यों नहीं? इतना ज्यादा इंतजार किस बात का? और मेरी आपसे एक हार्दिक प्रार्थना है कि आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लें। आप बस आराम करें और हमें अपना काम करने दे और देखते जाएं कि हम क्या करते हैं। जब तक एक मुजरिम जिंदा रहता है लोग डर के कारण उसके कदमों पे झुकते हैं, मगर जैसे ही वो मर जाता है उसकी लाश को कांधा देने वाला कोई नहीं मिलता। बस हमें इंतजार करना होगा, आज की रात, बस आज की रात।
तो कौड़ी के दरवाजा खोलने बंद करने वाले चपरासी, तू हमें कानून सिखाएगा? और सामी गए तुम्हारी अत्मा साहब की परमिशन, हमें कोई परमिशन नहीं लेना, समझे? हमें कोई परमिशन नहीं लेना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जान के अड्डी पर जट डालने की? जेब के छुट्टे के औकात के अफिसर तुम्हारा ट्रांसफर जान के घर में करवाऊंगा। जानते तुम्हारा अंजाम क्या होगा? जान तुम्हें खा जाएगा और डकार तक नहीं लेगा। मैंने तुम दोनों की नौकरी पर रखवाया था ना, मैंने तुम्हें थाली दी और तुम उसी में खा रहे, उसी में कुछ कुछ के छेद कर रहे हो। तुम तो चूहे की तरह बिल में घुस जाओगे, जनता का जवाब तो मैं दूंगा ना। बैठो मिनिस्टर। ऑफिसर जरा दरवाजा बंद करना। ये साली सरकारी बंदूक बहुत आवाज करती है। कहो मिनिस्टर, कब करवा रहे हो हमारा ट्रांसफर?
मुझे खुशी हुई कि सही वक्त पे सही जगह पहुँचे, मगर मैं हैरान हूँ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। मुजरिमों की किस्मत में हैरान होना ही लिखा है। मुजरिम बनने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह पुलिस में था, बहादुरी और ईमानदारी के मेडल मेरे ऊपर भी थे, मगर मैं तब भी हैरान था। चलो तुम्हें तुम्हारे हैरानी से आजाद कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम कानून की मदद करने आए हो? कानून आम जनता के लिए होता है, तुम्हें मारकर मैं आम जनता की मदद करूंगा। कानून किसी की मदद नहीं करता। तुम्हें एक पते की बात बताऊं, जिस सरकारी कारखाने से तुम्हारी बंदूक और गोलियां बनती हैं, वहीं से हमारी भी बंदूकें और गोलियां आती हैं। तुम जो सीले हो, ईमानदार हो, मुझे लगता है तुम आदर्श वाले भी हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम हम सबको मार दोगे, हमारे अड्डों को ख़त्म कर दोगे और खुद शहीद हो जाओगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि कानून जीत गया। तुम और मैं तो बस शतरंज के मोहरे हैं जो यूं ही लूटते और पिटते रहते हैं, और हमें वही लुटवाते और पिटवाते हैं जो खुद को कानून का ठेकेदार कहते हैं। अगर हम मुजरिम ना रहे तो कानून वाले बेरोजगार हो जाएंगे, इसीलिए वो हम मुजरिमों को जिंदा रखते हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतने अकलमंद होने के बावजूद भी अपना रोजगार चुना, वो भी एक शतरंज का मोहरा बनना। इस संसार का हर इंसान शतरंज का मोहरा ही होता है, बस उसे वजीर या बादशाह होने का भ्रम होता है। अगर तुम मुझे गिरफ्तार करके अदालत में पेश भी कर दो तो जानते हो क्या होगा? कानून अंधा नहीं, कानून लालची होता है। जैसे ही हमारे नोटों का बंडल कानून की देवी के तराजू में पड़ेगा तो तुम्हारे कानून की देवी का इंसाफ डगमगा जाएगा। तुमने एक दिखावे की शपथ ले ली तो तुम्हें क्या लगा सत्यमेव जयते, मगर आज तुम सत्य जान जाओगे असत्यमेव जयते। तुमने मेरी ईमानदारी का गलत अंदाजा लगाया है, मैं इतना ईमानदार पुलिस वाला नहीं हूँ कि तुम्हें गिरफ्तार करके कानून के हवाले करूँगा। हम खुद से मुजरिम नहीं बनते, बल्कि ये समाज हमें मुजरिम बनने पर मजबूर करता है। जिस दुनिया में सच्चाई और भलाई को सजा मिले और जुर्म और गुनाह को इनाम, उस दुनिया में भलों की संख्या घटती है और मुजरिमों की संख्या बढ़ती है। मैं भी इनाम चाहता था, इसलिए मुजरिम बन गया। तो चलो तुम्हारा इनाम दे दें, आज तुम मौत का इनाम पाओगे। तुम मुझे मार दोगे, सच कहा, अगर जिंदा बचोगे तो ना। Yeah.
मुझे हमेशा मेरी गन पे भरोसा रहता है। आखिरकार तुम मरने आ ही गए ऑफिसर। मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूं। मैं अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। मैं भी अपने वादे का बहुत पक्का हूं। मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं दूंगा। तो आज वादा टूट गया। अब दोनों साथ में
तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस बंदूक से सैकड़ों गोलियां निकली, जिसकी नाम की गोली थी वही साला बच निकला। जान का वो आदमी जिसे हमने पकड़ रखा है वो कहाँ है? मुझे समझ में नहीं आता तुमने उसे जिंदा क्यों रखा है। तुम पहले अपने जख्मों का इलाज करो, अब जो कुछ करना है मैं करूँगा। आखिर तुम मेरे बगैर क्या करोगे? कभी कभी ताश के छोटे पत्ते भी हुक्म के एक एक का काम करते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, हमने जान के सारे आदमियों को खत्म कर दिया, मगर जान बच निकला। क्या फर्क पड़ता है? ऐसी टीम जॉन फिर दोबारा खड़ा कर लेगा। तो मुझे ड्यूटी पर मत समझना, गम दूर करने का कोई सहारा तो होना चाहिए। क्या तुम भी अपना गम दूर करना चाहोगे? क्या मैं भी ड्यूटी पर नहीं हूं? मैं चाहता हूं तुम मेरा साथ दो। लो पियो। मैं ड्यूटी पर तो नहीं हूं, पर मैं अपना गम दूर नहीं करना चाहता। जॉन की टीम को तुम लोगों ने अगर गाजर मूली की तरह मार डाला है तो मुझे उनकी लाशों का कोई जवाब तो नहीं देना पड़ेगा। मगर अपने आदमियों का क्या, मुझे तो उनका जवाब तो देना ही होगा। मैं आज सुबह ही तक ऑफिसर हूं, अगर मैंने कल इस्तीफा नहीं दिया तो मैं कल खुद ही सस्पेंड कर दिया जाऊंगा। जान कहाँ ये मुझे पता है, आज रात ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। आज रात तुम्हें जो करना है करो, कल सुबह ही मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो मैं खुद ही हटा दिया जाऊंगा। हाँ सर, सही कहा, हम सस्पेंड कर दिए जाएंगे, पर कल सुबह ना। Thank you.
अगर शेर थोड़ा सा रहमदिल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि बतख और मुर्गियां जंगल में राज करें। पहले तो मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारे मरने की खबर मैं किसे दूं? तुमने सोचा तुम जॉन को मार लोगे तो जीत जाओगे, मगर ये जीत नहीं, इसमें सिर्फ जीत का भ्रम था। खेल खत्म हुआ जॉन, हाथ ऊपर करो और खड़े हो जाओ। पीछे घूमो और घुटनों पे बैठो। तो तुम मुझे सच में मार दोगे? हाँ, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे मरने की खबर मैं किसे दूं? डरो मत जान, तुम तो वाकई किस्मत वाले हो। तुम नहीं मरे वो तो तुम्हारा साथी मरा है। तो जरा मेरी भी किस्मत आजमा लो। जॉन, तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, मगर मौत के मजबूत पंजे यानी कि हमने आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम गोली चलाने के बाद ये जान जाओगे, जॉन कभी छिपता नहीं है। तो चलो आज तुम्हें हमेशा के लिए छिपा देते हैं, जाओ नरक के द्वार पे, बाकी साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। चल बे। अब खबाश रहेगा, अभी तक तुमने चौल लिखे ठौल नहीं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बॉस बॉस फिर नजरिया झुका। एक बार बोल चुका, अब एक बार अरे चल एक बार रस्सी खोल के देख तो बताता हूँ कितनी है। चल एक बार रस्सी खोल के तो देख, तब बताता हूँ कानून के हाथ कितनी रखी। अब बोल एक बार रस्सी खोल कर तो देख, तब बताता हूँ कितनी है। न्याय की बात ना छोड़ दे। हाँ
हाँ सर जी, ठीक है ठीक है। हाँ चल जो चल अहमद उतने ले लिया ना, मैं बोलूँगा ना तुम इतना ही बोलना ठीक है, बाकी मैं बोलूँगा इसका डायलॉग मैं बोलूँगा। तुम मुझे फिर से बोले, तुम क्या बोले सिर्फ इतना, तुम मुझे छोड़ सकते हो। रुकियो यार, कहाँ देखा था बार बार, फिर से कर मुड़िया ज्यादा नीचे मत कर, सारा ऊपर से चढ़। हां बदो में आई हो जी तू, एक्शन। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों को भी अपने एक बाल मत दू नहीं, उसका बड़ा देखते यार मत दे, कैमरा मत देखे, बस चल कैमरा मत देख, चल चला। खड़े हो बाबा, मार बुलेटिया बैठ जो पगड़। चल इससे इसमें बाईपास राज भाई, जरा देखिए कोई तालिबान की खबर है क्या? एक्शन। तालिबान की इसमें कोई खबर नहीं है, अफगानिस्तान वाले बड़े बिगड़ जवान होते हैं, मैंने बंबई में देखा है, ऐसे खड़े रहते हैं जैसे बरगद का पेड़। चला बात सही बात तो है कि अफगानिस्तान वाले बहुत ही बिगड़ जवान है। अफगानिस्तान वाले तो अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। एक्शन। टैंकों और तोपखानों के सामने बिहार जवानों की क्या जरूरत है? चला। टैंकों और तोपखानों के सामने बिहार जवान क्या कर सकते हैं? ये ना। एक्शन। टैंकों और तोपखानों के सामने बिहार जवानों की क्या औकात है? एक्शन। गबरू जवान और खड़ा रहेगा, टैंक और तोपखाने आएंगे मारेंगे, गबरू जवान का चिथड़ा उड़ जाएगा।